यस, सो आई वाज सेइंग कि वर्ड में हम लोग जब पेपर ए पेपर बी फॉर ऑल सीएम एंड सीएस पेपर्स, यू ऑल नो दैट पेपर ए इस बार हम लोग का वर्ड में होगा बिकॉज इट्स ऑनलाइन. 100 मार्क्स, 3 आवर्स 15 मिनट्स, पूरा आप लोग को वर्ड में टाइप करना है अपने सारे आंसर्स को. अभी तक आप लोग जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, एवरीथिंग यू आर डूइंग इट इन पेन एंड पेपर, राइट? सो अब हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू ऑब्वियसली वी हैव टू क्लियर द एग्जाम, दैट इज आवर मेजर एम, राइट, मेन एम. तो वो हम लोग को समझना पड़ेगा कि अब आप पेन पेपर पे कितने बारी प्रैक्टिस करो, बट एट yes, just give me 1 second. Okay, so at the end of the day हम लोग को एग्जाम तो वर्ड में देना है, right? तो हम लोग को क्या क्या मेजर एम्स है जो हम लोग को ध्यान में रखना है व्हेन अपीयरिंग फॉर पेपर ए, व्हेन सेटिंग फॉर पेपर ए. हम लोग को टाइम विच इज ओनली 3 hours 15 minutes, ये चीज ध्यान में रखना है बिकॉज नाउ वी आर अकस्टम्ड इन राइटिंग पेन एंड पेपर सिंस आवर चाइल्डहुड. तो हम लोग उसमें बहुत फास्ट लिख पाते हैं. वर्ड में क्या होता है, इवन इफ वी नो द आंसर बट कभी कभी टाइम शॉर्टेज हो जाता है. दिस इज द मेजर टास्क. नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू ऑल इज दैट एग्जाम का जो पैटर्न होता है, IFOA, IEI, द क्वेश्चंस व्हिच दे मेक एंड द क्वेश्चन पेपर व्हिच दे मेक, वो जो पेपर पैटर्न है दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू कैन अपीयर, यू कैन सिट एंड कंप्लीट एंटायर पेपर इन 3 hours 15 minutes. तो जो ये बोलते हैं कि वर्ड में डिफिकल्ट हो गया है एग्जाम, हम नहीं अपीयर कर सकते, नहीं क्लियर करना डिफिकल्ट हो गया, ऑल ऑफ दीज आर मिथ्स यू कैन से. क्योंकि 3 hours 15 minutes हम लोग को जो मिल रहा है राइटिंग टाइम फॉर द एंटायर पेपर, द इंस्टीट्यूट हैज मेड द पेपर इन सच अ वे कि आप उसको कंप्लीट कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है. अगर आपने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है तो ऑब्वियसली हाउ कैन यू प्रोड्यूस इट इन द एग्जाम, करेक्ट? सो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि ऑनलाइन एग्जाम डिफिकल्ट हो गए, इसको मन से निकाल दो फ्रॉम day 1. अदरवाइज मूविंग अहेड आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा, करेक्ट? सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई विल सजेस्ट, विच आई विल से टू ऑल ऑफ यू ऑल प्रेजेंट हियर. एंड कमिंग 10 days में वी विल ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स. ज्यादा कुछ है नहीं, इट्स सिंपली वॉट यू, इट्स सिंपल टाइपिंग, ठीक है? इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स अ सिंपल टाइपिंग. बट यस, कुछ तरीका होता है प्रेजेंटेशन का, वो हम लोग देखेंगे. टुडे इज आवर फर्स्ट क्लास. आई विल जस्ट गिव यू द इंट्रोडक्शन एंड आई विल टीच यू अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड देन मूविंग अहेड वी विल कीप क्लासेस जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मे बी क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटेशंस, इक्वेशंस इन वर्ड, ताकि आप लोग का वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. एंड एवरी डे मेक इट अ पॉइंट यू टेक आउट half an hour to 1 hour, ताकि आप वर्ड में बैठ के उसको सॉल्व करो पेपर ए को. सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट अ स्मॉल टिप, कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, ठीक है? कोई भी एक क्वेश्चन लिया एंड एक क्वेश्चन ही सॉल्व करो वर्ड में एंड देखो कि आप लोग को उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है. इफ इट्स अ 10 mark क्वेश्चन, इट शुड नॉट टेक यू मोर देन 15 minutes. इट शुड नॉट टेक यू मोर देन 15 minutes. That is the minimum, that is the maximum which I am saying. ठीक है? तो ये जो पैटर्न है ये आपको फॉलो करना पड़ेगा. यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड इन योर एग्जाम बिकॉज अदरवाइज 3 hours 15 minutes में आप नहीं खत्म कर पाओगे, राइट? एंड अभी तक 2 बार हो चुका है एग्जामिनेशन इन वर्ड. सो वैसा कुछ ऑनलाइन 2 बार एग्जाम हो चुके हैं, September 20 में एंड April 2021 में. एंड इनफैक्ट April 2020 में CB1 एंड CB2 ही हुआ था. सो ऐसा कभी नहीं, आई हैव सीन एनी स्टूडेंट सेइंग दैट आई कुडंट कंप्लीट द पेपर ड्यू टू द लेंथ और मे बी ड्यू टू वी वर टाइपिंग इट इन वर्ड. एंड अगर हम पेन पेपर पे करते तो हम जल्दी खत्म कर पाते. ऐसा आई हैव नॉट सीन एनी स्टूडेंट टेलिंग मी दिस. सो दिस इज व्हाई, बिकॉज वी हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट. तो अभी से इट्स जून, 10th June है, अभी आपके पास काफी टाइम है. यू हैव अप्रोक्सीमेटली 3 months. तो आप आराम से इवन इफ एवरी डे आप हाफ एन आवर निकालो। आई थिंक थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है। ओके, सो वीक में इवन इफ यू जस्ट टेक आउट अराउंड 4 hours अभी के लिए, just this time, and then August में you can obviously when we'll appear for the mock tests and all of those, वो सब कुछ word में होगा, ठीक है? So straight away moving into word, I'll just share my screen. What you all can do is आज के लिए you all can do it with me. अगर करना है you all can jot down anything if you want to. Otherwise I will provide you the entire shortcuts and all जो भी मैंने list बनाया है word file में provide कर दूंगी, so इसमें कोई tension नहीं है. But if you all want to practice it with me, you all can do it. If not, it's up to you. And one more thing, आज से ही start कर दो. Every day give at least half an hour to 1 hour to word. And if this is your first paper in MS Word, then आपको पक्का से आज से ही start करना है half an hour 1 hour अपने word में देना. And those who have already given, आप लोग को पता है आप लोग कहाँ lag कर रहे हो, आपका time में problem है, आपका typing speed slow है, वो सब कुछ कैसे improve होगा, with practice improve होगा, ठीक है? So let's just start the class. I will share my screen. Okay, I think my screen is visible. अगर आपको कुछ भी बोलना हो during the class, you all can just write it down in the chat box. You can raise your hand, right? So just don't unmute yourself because we have so many people. तो वो थोड़ा disturbing हो जाएगा. So typing in word. I hope my screen is visible to everyone. Okay. सबसे पहले तो ये है time limit ध्यान में रखना है, 3 hours 15 minutes है, and approximately let's talk about all the papers. Approximately 10 to 12 questions, 13 questions आते हैं हर paper में, paper A में. अगर मैं CB1, CB2 का नहीं बात करूँ तो ये इतने सारे questions आते हैं, and हमें ये पूरे questions को खत्म करना है in the given time period. The very first thing is, ये हमारा वर्ड है, I am using Office 365. अगर आप कोई दूसरा वर्जन यूज़ कर रहे हो, अगर आप कोई दूसरा ऑफिस का वर्जन यूज़ कर रहे हो, so it might look a little different, ज़्यादा नहीं, but yes, 2013 या above आपको यूज़ करना है, ठीक है? 2013 या above आपको यूज़ करना है. If you are using anything, any version which is 2007, तो बिल्कुल मत यूज़ करना. अगर आप 2010 यूज़ करो, just upgrade it. आपको यूज करना है 2013 और अबव. एंड अगर आप अभी से नए वाले वर्जन में प्रैक्टिस करोगे तो जिस आपको आई विल सजेस्ट वन मोर थिंग, जिस लैपटॉप में या जिस पीसी में आपको एग्जाम देना है उसी में अभी से प्रैक्टिस करो. अदरवाइज क्या होता है ना कि सपोज दिस इज माई लैपटॉप, आई एम टाइपिंग इट इन दिस, सडनली इफ आई गेट अ न्यू लैपटॉप और अ न्यू पीसी, उसमें मेरा टाइपिंग स्पीड स्लो होगा ही होगा. दिस इज नेचुरल एंड दिस इज फॉर एवरी वन. तो अगर आपको लग रहा है कि अभी के लिए मैं इसमें करूंगा एंड देन एग्जाम आई विल गिव इट इन सम अदर पीसी और सम अदर लैपटॉप, डोंट डू इट, डोंट डू इट. एटलीस्ट एक लैपटॉप जिसमें आपको एग्जाम देना है, प्रैक्टिस इन दैट लैपटॉप एटलीस्ट फॉर 1 month, बोथ फॉर पेपर ए एंड पेपर बी, बिकॉज आप उसके अकस्टम हो जाओगे. आपका जो पूरा हाथ है वो सेट हो जाएगा इन द की पैड, राइट? अदरवाइज इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. दैट इज वन पॉइंट विच आई नीड टू मैंशन. द सेकेंड थिंग इज, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो दिस इज, लेट मी जस्ट ओपन अ न्यू फ्रेश वर्ड यहाँ पे. सो दिस इज अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो आपको ओपन करना है, एंड यहाँ पे द वेरी फर्स्ट थिंग इज, हम लोग जब सबमिट करेंगे हमें हेडर या फुटर में अपना ARN नंबर मेंशन करना पड़ता है, ठीक है? ARN नंबर इज द नंबर विच इंस्टीट्यूट विल गिव अस. तो जिनको अभी तक नहीं मिला है, डोंट वरी, सब लोग को मिलेगा बाद में. तो यहाँ पे व्हाट वी हैव टू, ताकि इंस्टीट्यूट, फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, डू नॉट मेंशन योर नेम, डू नॉट मेंशन योर नेम कहीं पे भी इन द एंटायर डॉक्यूमेंट. तो हेडर फुटर कैसे इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट में जाओ एंड देयर इज एन ऑप्शन ऑफ हेडर और फुटर. यहाँ पे आई प्रेफर गिविंग अ हेडर. आपको अगर फुटर देना है फुटर भी दे सकते हो, इट्स द सेम थिंग, आपके ऊपर डिपेंड करता है. So let's give the header and make them normal सा. Left side में header देती हूँ. यहाँ पे I have to put in my ARN. So I will type ARN and then whatever my ARN number is. So whatever my ARN number is, I will give that ARN number. And then जो भी exam के लिए आप appear कर रहे हो, that exam name. Suppose I'm appearing for CM1, so I will write CM1 यहाँ पे, and then I will write the term. मेरा क्या term होगा? September 2021. So I will write September 2021. This is what you have to write in the header. Your ARN, your paper name, and then your term. ठीक है? Once you do it, just click on this close. यहाँ पे देखो एक header footer का अलग से tab खुल गया. Just click on this header, close header and footer. And when we move to the next page, वो अपने आप सारे pages में ये header आ जाएगा. That is what the institute wants. This is the first thing. ठीक है? Second thing is, अब अपने file को save कैसे करोगे? ठीक है? तो अभी ये file का name is document 2. I will change the name of this file. So I will just go to file. यहाँ पे save as में मुझे click करना है. This is the first time I am saving it. होगा क्या exam के time पे हम लोग पहले से like exam start होगा उसके just थोड़े देरी 15-20 minutes पहले you can create a word file. आप ARN देके and file name देके उसको save करके रख सकते हो अपने desktop पे. ठीक है? ताकि आपका time नहीं waste हो during the exam time. And ऐसे जगह save करना कि आपको पता रहे because you have to upload this word file in exam. Correct? So I will do is I will save this and I will just click on wherever I want to save my file. Okay? And I will give the name of the file. So the name of the file will be again your ARN number. So आपका जो भी ARN number you can directly type the ARN यहाँ पे file name में. So whatever your ARN number is dash CM1 dash September 2021. So I think this is visible to you all. This is the file name which I have given. The ARN number CM1. आप CM1 A भी लिख सकते हो यहाँ पे. And then just write September 2021 and just click on save. ठीक है? तो वो आपका save हो गया. And just see the name has been changed. ये मेरा starting में ARN है. Then CM1 A. Then September 2021. Right? This is how you save your work. So basically सबसे पहले ARN आपको देना है. Secondly आपको header देना है and secondly आपको अपना file name देना है, right? So ये दोनों चीज बहुत important है. What you all can do is exam के पहले you can create a word file in your desktop and you all can just save it with the header and with the file name. ठीक है? तो वो करके रख सकते हो. This is the first thing. Now let's quickly talk about CB1, CB2. Header is at the top, footer is at the bottom. So I'll just show you all. Footer अगर आपको देना है, so you all can just give it over here. ठीक है? आपके ऊपर depend करते हैं wherever you want to give. Now the next thing is let's quickly in 5 minutes talk about CB1 and CB2 and all the papers just in 5 minutes. CB1, CB2 में you do not have any equations, you do not have as such any mathematical. ज़्यादा करके आपकी थ्योरी है पूरा, तो आपका पूरा टाइपिंग है, नॉर्मल टाइपिंग है. ग्राफ्स CB2 में बनाने को नहीं आएगा. You will be given a graph and you will be asked to interpret it, right? So this is for CB1 and CB2. तो specific papers की classes I will keep. This is the general class. So CB1 में कुछ भी आपको अगर balance sheet बनाना है कुछ भी उसका classes I will keep later on. Specific papers का. Let's come to CM1 and CM2. Is it for everyone? Voice is not clear. ये सबके लिए हो रहा है क्या? Yes, ma'am. काफी लोग बोल रहे हैं इट्स क्लियर, काफी लोग बोल रहे हैं इट्स नॉट क्लियर. ठीक है। सो अगर कोई वापस से इशू होता है जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। इट्स क्लियर, ओके। मे बी आपकी एंड से भी कोई इशू हो सकता है, सो जस्ट चेक दैट। ओके, सो आई वाज सेइंग कि हम लोग को सेव करना है फाइल, पहले से सेव करके रख सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट CM1 एंड CM2। CM1 एंड CM2 में दे अर्लियर मेंशन्ड कि MCQs नहीं आएंगे, दैट इज व्हाट दे मेंशन्ड, IFOA ने मेंशन करा था पहले। एंड MCQ CS1 CS2 में MCQ आ सकते हैं, बट इस टर्म लाइक अप्रैल 2021 वाले टर्म में MCQ किसी पेपर में नहीं आया था। टॉकिंग अबाउट IFOA, IAI में MCQs आए थे बट IFOA में MCQs नहीं आया था, राइट। सो दिस इज देयर। तो हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू कीप दिस इन माइंड कि MCQ नहीं आएगा, एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द थ्योरी पेपर एज वी वुड हैव प्रिपेयर्ड, जैसे कि हम पेन पेपर पे लिखते हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस है, आपको वर्ड में प्रैक्टिस करना है, करेक्ट। सो दिस इज वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड कि MCQs आए नहीं आए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, वी हैव टू प्रिपेयर इट एज वी वुड हैव प्रिपेयर्ड अर्लियर, राइट। दिस इज द वन थिंग। The second thing which I want to mention over here is just questions होते हैं like originally अगर theory में वो question आता maybe of 4 marks, and examiners को and IFOA को institute को अगर लगता है, IAI को institute को अगर लगता है कि नहीं ये word में अगर बच्चा type करेगा so it might require a little more time, तो वो 4 mark के question को they might increase it to 6 marks or they might increase it to 5 marks depending upon the question, right। तो ये एक चीज हम लोग करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन उन्हें लगता है तो अभी करंटली आप जो पिछले साल का पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, अगर इफ इट इज ऑफ 4 marks एंड यू थिंक कि अरे बोर्ड में तो ये लेंदी हो जाएगा थोड़ा, डोंट वरी, दे विल इंक्रीज द मार्क्स, दे माइट इंक्रीज इट टू 5, दे माइट इंक्रीज इट टू 6, राइट। सो दिस इज देयर, दिस इज द अनदर थिंग। नाउ वंस यू स्टार्ट राइटिंग योर पेपर, तो सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए, आपके 10 क्वेश्चन आए, 11 क्वेश्चन आए, जितने भी क्वेश्चन आए, हर एक क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम अ फ्रेश पेज, तो वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है टू द एग्जामिनर एज वेल, क्योंकि जब हम लोग थ्योरी में भी देते थे सो दे मेंशन इट इन द पेपर दैट ईच क्वेश्चन शुड स्टार्ट फ्रॉम अ फ्रेश पेज व्हेन वी यूज्ड टू अपीयर इन पेन एंड पेपर, राइट। तो यहाँ पे सपोज आई एम स्टार्टिंग विद माई आंसर 1, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको don't forget to write the answer number clearly. तो answer number के लिए generally I do this bold. These are the fonts, ठीक है। आप यहाँ पे अपने fonts का formatting कर सकते हो. Majorly see आप जो पूरा word use करोगे, home tab में आपको खाली ये वाला portion use करना पड़ेगा, and वो भी bold, कहीं पे italics या फिर आप underline कर सकते हो। बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि कौन सा फॉन्ट रखे, फॉन्ट साइज क्या रखे, इट कैन बी एनीथिंग, जस्ट कीप इट सिंपल। कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन, ऐसा कुछ रखो, एकदम सिंपल। आई जनरली कीप इट कैलिब्री बॉडी जनरली जो रहता है, एंड आई कीप द साइज एज 11, सो यू ऑल कैन ऑल्सो कीप दीज एज योर फॉन्ट साइज एंड योर फॉन्ट टाइप, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, सपोज व्हेन आई एम स्टार्टिंग विथ माई आंसर 1 अगर मैं लिख रही हूँ, तो मैं ऐसे लिखूंगी यहाँ पे, I will use bold and underline, and I will write answer 1, and then I will move to the next line, and I will start typing my answer. Clear है? Moving to answer 2. Suppose मेरा answer 1 यहीं पे खत्म हो गया, maybe इतने से distance में मेरा answer 1 खत्म हो गया. Don't start answer 2 in this page. Go to a new page, fresh page, and यहाँ से आप answer 2 start करो. Again, ठीक है? Bold, underline, answer. Start your answer 2 from here. This is the first thing which I want to tell you all. Secondly, MCQs जो आते हैं, MCQs में आपको पूरा ऑप्शन नहीं लिखना होता है, like if there are A, B, C, D 4 options given to you, and उसमें जो भी उसके अंदर के कंटेंट्स हैं वो आपको लिखना नहीं होता है. You just have to mention the option name. A है, B है, C है, D है. You just have to mention that. This is the very first thing. ठीक है? सेकेंडली, वर्किंग्स नहीं दिखाना होते इन MCQ. अगर आप सोच रहे हो कि 3 marks का 2 marks के MCQ है, वर्किंग्स दिखाएंगे तो मार्क्स मिलेगा, नहीं मिलेगा. दे सिंपली इग्नोर योर वर्किंग्स, दे विल जस्ट चेक द फाइनल आंसर विच यू हैव गिवन फॉर योर MCQ. क्लियर? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर MCQs. बहुत बच्चे क्या करते हैं, अरे चलो कर देते हैं वर्किंग्स, मार्क्स हमें मिल जाएगा. ऐसा नहीं होता है, यू डू नॉट गेट द मार्क्स, राइट. सो दिस इज देयर. Now the next thing is let's मैंने बोल दिया हर question will start from a fresh page and everything. Very 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 important thing is keep on saving the work. Keep on saving your work मतलब कि आप जैसे आपने एक आंसर कंप्लीट किया just save on your work. कैसे सेव करते हैं? Control S. See, whenever I'm typing Control S, just look at my cursor and look at this task bar यहाँ पे. जब भी मैं Control S कुछ भी change करके, suppose I'm writing my name यहाँ पे, and मैं इसको ऐसे करती हूँ save. Control S. ये अपने आप save होगा. If you forget to save your work and you just simply close your document, IFO ये responsibility नहीं लेगा. It's your loss. आपका question paper गया, right? It's not their problem to look at. आपने save नहीं किया, उनका गलती नहीं है. तो आपको हर एक आंसर के बाद अपना वर्क को सेव करना है. मेक श्योर यू डू इट इवन फॉर पेपर बी. आई एम सेइंग दिस इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट, राइट? कमिंग ऑन, यहाँ तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, ऑल कैन राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स. So this is the first thing. Now moving on, I have a few list of shortcuts जो आप लोग को use करने पड़ेंगे. Use करोगे तो better रहेगा during the exam time. Now a few shortcuts है. सबसे पहले तो quick आपको save करने के लिए obviously जैसे मैंने बोला you all can, मैंने यहाँ पे एक shortcut की डाल रखा है. Otherwise you all can click on Control S. ठीक है, Control S से आपका work save होते रहेगा. So you just have to save your work. अगर आपको कुछ undo करना है, like you have written a word, you have written something and you have to just undo it, maybe. So suppose I have written my name यहाँ पे and I have to undo it. Just click on Control Z. Control Z से ये पूरा चीज undo हो जाएगा, ठीक है? So you can use undo. यहाँ पे भी options रहते हैं undo and redo के, ठीक है? Now next, just discuss the few important ones. Control C is for copy. आप इससे इसको अगर पूरे word को, पूरे line को, पूरे equation को, बहुत बार क्या होता है कि suppose कोई एक equation आपको एक ही sum में दो बार use करना है. Don't type it down again and again. एक बार जब आपने type किया ऊपर में, उसी को पूरे को select करके Control C copy and नीचे में Control V paste. अगर आप एक document का बात करें, you cannot copy paste from some other document, from some other word file into your answer word file. You cannot do this. ये चीज नहीं है, ये चीज IFO ने प्रोहिबिट किया है. Suppose I have my two word files open over here and मैं सोचूं कि मैं वहां से यहाँ पे कुछ copy paste कर दूं, नहीं, ये चीज नहीं करना है. उनको समझ में आ जाएगा. And there are ways of getting hold of these kind of situations जहाँ पे आप दूसरे word से कॉपी पेस्ट करते हो, दूसरे डॉक्यूमेंट से कॉपी पेस्ट करते हो. सो डू नॉट डू दिस, राइट? पेस्ट के लिए कंट्रोल वी. नाउ दीज थ्री आर अगेन आई थिंक इम्पोर्टेंट. अगर आप थ्योरी का एक आंसर लिख रहे हो या फिर आप एक पूरा सम सॉल्व कर रहे हो, आपको फाइनल आंसर देना है, जनरली यू गिव इट इन बोल्ड, जनरली यू अंडरलाइन इट और यू वॉन्ट टू चेंज द फॉन्ट ऑफ इट. तो आप ये यूज कर सकते हो. बोल्ड के लिए यू यूज इट कंट्रोल बी, तो आपका ये बोल्ड हो जाएगा. इसके लिए आप यूज करोगे कंट्रोल आई. सो सब कुछ कंट्रोल बटन के साथ ही है, मोस्टली शॉर्टकट्स. कंट्रोल आई इज फॉर इटैलिक्स एंड अंडरलाइन के लिए यू विल जस्ट क्लिक कंट्रोल आई. सो आप सॉरी कंट्रोल यू एंड आपका ये अंडरलाइन हो जाएगा. सो जनरली दोज क्वेश्चन जहाँ पे आपको पूरा पूरा थ्योरी लिखना पड़ता है, इट्स अ थ्योरी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, और यहाँ पे आप पूरा सॉल्व कर रहे हो सोल्यूशन एंड आपको फाइनल आंसर देना है. So keep it in bold, keep it in italics और underline it ताकि वो prominent to examiner को समझ में अलग से दिखे कि इस पे आप highlight करना चाहते हो, इस पे आप focus करना चाहते हो. These are few important things which will come only with practice. अगर आप practice कर रहे हो questions every day, तो आपको समझ में आएगा कि किसको हमें highlight करना है. And in fact it's very important. जब आप theory question लिखते हो तो आप एक points में डालते हो, right? उसको bullet form में देते हो. So it's very important कि आप important चीजों को underline, bold या italics में change करो, right? These are few another set of shortcuts टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज इंक्रीज। अगेन आई बिलीव ये सारे शॉर्टकट्स इतना यूज नहीं आएंगे हमें, जो ज्यादा करके यूज आएंगे मैंने उनको हाईलाइट किया है। इफ यू वांट टू मूव टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन, सपोज आप टाइप करो, आपको कुछ याद है ना, आपको लाइन के स्टार्टिंग में जाना है, जस्ट क्लिक ऑन होम बटन। आपके लैपटॉप में होम बटन होगा, सो यू मूव टू द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द लाइन। एंड अगर आपको एंड ऑफ द लाइन में जाना है, जस्ट क्लिक ऑन द एंड बटन एंड यू मूव टू द एंड ऑफ द लाइन। आपको अपने पूरे वर्ड डॉक्यूमेंट के एकदम स्टार्टिंग में जाना है, सो कंट्रोल होम एंड यू रीच द वेरी स्टार्टिंग। कंट्रोल होम एंड कंट्रोल एंड करोगे तो आप एकदम एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पहुंच जाओगे। दीज आर अ फ्यू शॉर्टकट्स व्हिच आई बिलीव वी हैव टू यूज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ज्यादा करके व्हाट आई बिलीव कि हम ये सारा शॉर्टकट्स ज्यादा यूज करते हैं। दीज शॉर्टकट्स आर यूज द मोस्ट। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बहुत जन पूछते हैं कि क्या हम कलर चेंज कर सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। डोंट डू इट, डोंट डू इट, जरूरत नहीं है। जस्ट यूज ब्लैक कलर सारे पूरे आंसर्स के लिए। जहां आपको लगे कुछ हाईलाइट करना है, चेंज इट टू बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन इट सिंपली, दैट्स इट। डू नॉट यूज एनी डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स एंड उतना डेकोरेशन का आपको पहली बार तो टाइम मिलेगा नहीं एंड उतना डेकोरेशन आपको करना है भी, राइट। सो दीज आर द फर्स्ट, दीज आर द फ्यू shortcuts which you can use, right? There is obviously cut also which I have discussed. तो ये सारे कुछ कुछ shortcuts हैं जो आपको use आएंगे, especially these ones. And obviously the very 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 important one is save. हर एक आंसर के बाद अपने वर्क को सेव करना है। What if आपका लैपटॉप शटडाउन हो गया? What if कुछ भी अनवांटेड सिचुएशन हो सकता है, तो उस समय अगर आपका वर्क सेव नहीं होगा, so you lose everything. And IFOA is not responsible for those kind of things. Okay. Now coming on to next thing, ये आपका पूरा एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आप लिख रहे हो। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, सपोज आप कुछ इक्वेशन बनाते हो, ठीक है, अभी हम लोग सीखेंगे थोड़ा बहुत कुछ बनाना। तो उसमें क्या होता है ना, मे बी आपका एरर आने लग जाते हैं। लाइक इफ आई टाइप समथिंग, if I type something like this, just one second, हाँ, तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसा टाइप कर रहे हो। अगर आपको स्क्रीन विजिबल नहीं है तो मुझे बताना। आई विल इंक्रीज द साइज ऑफ द स्क्रीन। एंड उसमें एक एरर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें लिखना है के एक्स, एक वर्ड, हम एक टर्म है, डिनोट करें के एक्स से कुछ हम, ठीक है, या फिर हम लिख रहे हैं कैपिटल के एक्स, वट एवर इट इज। अगर हम ये कुछ लिख रहे हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, या इसमें कुछ डाला हुआ है हमने के एक्स, तो बहुत बारी क्या होता है ये एरर, इसमें यू कैन सी ये लाइन आ रहा है, रेड लाइन। So you will see a lot of red lines and green lines when you type something. Suppose मैंने Markov लिखना था, I just wrote, I forgot that O, ठीक है, मैंने I लिख दिया। ऐसे kind of things, आपको green lines दिखेंगे, red lines दिखेंगे। ये क्यों होते हैं? This is जब आपका spelling mistake है या आपका कहीं पे grammatical mistake है, ठीक है। तो ये आपको तब आपको ये सारे underlines दिखेंगे। बहुत जन मुझसे पूछते हैं कि ये underline मुझे नहीं देखना है, पूरे डॉक्यूमेंट में अंडरलाइन आ रहे हैं, बहुत अजीब डिस्टर्बिंग लग रहा है, तो इसको कैसे हटाएं? इसको हटाने के लिए you all can just write it down the steps, फाइल में जाओ, ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली ऑटो करेक्ट फीचर बोलते हैं। बहुत बार आप लोग देखते हो, आप लोग सेलफोन पे टाइप करते हो तो अपने आप कोई भी वर्ड अपने आप ऑटो करेक्ट होके वो चला जाता है, राइट। एंड देन यू रियलाइज कि वो चेंज हो गया, आप बाय लिख रहे हो किसी को। मेरे साथ बहुत बार होता है, आई राइट इट BTE, तो अपने आप बाय में चेंज होके जस्ट गोज। तो वो वाला जो ऑटो करेक्ट फीचर अगर मुझे हटाना है, आई डू नॉट वांट दीज लाइंस, बिकॉज मुझे पता है आई एम राइटिंग, आई एम टाइपिंग डाउन द करेक्ट थिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मोर ऑप्शंस, आपके में ऑप्शंस आ सकते हैं, मेरे में मोर है, एंड देन आई एम गेटिंग दिस ऑप्शंस। तो बेसिकली फाइल, ऑप्शंस, ऑप्शंस में जाओ, दिस विंडो विल कम अप, दिस विंडो विल कम अप। इसमें प्रूफिंग में जाना, प्रूफिंग में जाके यू हैव दिस ऑप्शन, यहाँ पे ये वाला, थोड़ा स्क्रॉल करो नीचे, When correcting spelling and grammar in word, check spelling as you type, तो आप इसको हटा सकते हो. Mark grammar errors as you type, तो वो जो green lines आते हैं वो grammatical mistakes के लिए आते हैं. Full stop देना भूल गए, कॉमा देना भूल गए, capital T लिखना भूल गए, तो ये यहाँ पर हटा सकते हो. तो इससे क्या होगा ना, ये once you have unpicked these options, आपका वो red lines, green lines नहीं आएगा. ये हो गया आपके सारे. अब आप कुछ नया एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोलोगे उसमें भी नहीं आएगा. इफ यू जस्ट वांट टू डू इट फॉर दिस वर्ड फाइल जिसमें आप अपना एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, खाली इस वर्ड फाइल के लिए करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे आप इसको क्लिक कर सकते हो, हाइड स्पेलिंग एरर्स एंड हाइड ग्रामेटिकल एरर्स. दिस इज ओनली फॉर दिस डॉक्यूमेंट. इसका नाम है यूजफुल शॉर्टकट्स, यूजफुल शॉर्टकट्स. तो ये खाली इस वर्ड फाइल के लिए ये हाइड हुआ है. अगर अब आप कोई नया वर्ड फाइल ओपन करोगे तो उसमें आपको रेड लाइन्स, ग्रीन लाइन्स दिखेंगे. बट दिस इज ओनली आई हैव हिडन फॉर माय करंट वर्ड फाइल, फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड फाइल. ठीक है, आई विल जस्ट क्लिक ऑन ओके. द मोमेंट आई क्लिक ऑन ओके, देखो क्या हुआ, रेड लाइन्स चले गए. ठीक है, सो दिस आई हैव डन ओनली फॉर माय दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. क्यों? क्योंकि मुझे बाकी वर्ड फाइल्स में ऐसा कुछ नहीं चाहिए. सो दिस वाज माय अनदर वर्ड फाइल. सपोज आई एम टाइपिंग माय, अगेन मैं कोई मिस्टेक कर रही हूँ, सपोज मैं KX लिख रही हूँ, तो देखो यहाँ पे वो एरर, लेट मी यूज, आई थिंक यहाँ से भी मैंने हटा दिया था. सो प्रूफिंग में जाके ओके देखो एरर आ रहा है, राइट. सो दिस थिंग्स विल कम अप. अगर आपको हटाना है आप हटा सकते हो. अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ या करती हूँ, तो आप उस केस में मत हटाओ, क्योंकि आपका फिर वो स्पेलिंग मिस्टेक्स चला जाएगा, सबमिट हो जाएगा, एंड दैट डजंट लुक गुड. CB1 CB2 जैसे पेपर्स में आई विल सजेस्ट डोंट डू इट, डोंट रिमूव दीज ऑटो करेक्ट ऑप्शंस. बाय बिकॉज उसमें पूरा थ्योरी पेपर्स है. बाकी पेपर्स में यू ऑल कैन डू इट, CM CS पेपर्स में, बिकॉज वहाँ पे काफी इक्वेशंस लिखने होते हैं. तो वो इक्वेशंस जब हम नोटेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो हो सकता है बहुत रेड लाइंस आए, ग्रीन लाइंस आए, विच सम स्टूडेंट्स में नॉट लाइक. तो वो अगेन आपके ऊपर डिपेंड करते हैं. आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा. दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग. नाउ कमिंग ऑन टू द मेजर थिंग जिसके लिए हम क्लास में आए हैं. ये सारा था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक चीज जो आपको ध्यान में रखने हैं, सेव करना, व्हाट शुड बी योर हेडर, व्हाट शुड बी योर फुटर, व्हाट शुड बी योर फाइल नेम, कैसे हम ऑटो करेक्ट ऑप्शंस हटा सकते हैं, यूजफुल शॉर्टकट्स. नाउ द मेजर थिंग इज आपको टाइप क्या करना है, कैसे करना है. इक्वेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशंस आप कैसे टाइप करोगे. देयर आर टू ऑप्शंस व्हिच IFO हैव गिवन यू. यू कैन आइदर यूज द नोटेशंस. नाउ व्हाट आर दीज नोटेशंस? IFO ने कुछ नोटेशंस निकाले हैं. आप या तो वो नोटेशंस यूज कर सकते हो, या तो आप इक्वेशन एडिटर यूज कर सकते हो इन योर वर्ड. क्लियर? लेट मी जस्ट चेक द चैट बॉक्स. कोई क्वेश्चंस है तो? नहीं, ओके. सो आइदर यू कैन यूज द नोटेशंस जो IFO निकाले, या फिर यू कैन यूज द इक्वेशन एडिटर. इन टुडेज क्लास आई विल टॉक अबाउट इक्वेशन एडिटर and I will leave up to you all कि आप लोग कौन सा चूज करोगे. In my coming classes I will work with notations. ठीक है, जहाँ जहाँ आप लोग मुझसे पूछोगे कि equation editor में कैसे करेंगे, I will show you all. For me, if you ask me personally, notations notations somewhat easy होता है. क्यों? क्योंकि उसमें time कम लगता है. But there are many students who prefer using equation editor. I will show both, ताकि आप लोग खुद से डिसाइड करके, खुद से प्रैक्टिस करके देख पाओ कि आप लोगों को कौन सा सूटेबल लग रहा है, राइट. सो सबसे पहले नोटेशंस अगर मैं दिखाऊं तो ये हैंडआउट IFO ने निकाला था फॉर 20 अप्रैल 2021 एग्जाम्स. अभी तक सितंबर के लिए नहीं निकाला है इन्होंने कुछ भी, बट कंसिडरिंग दिस इसमें एक नोटेशंस का लिस्ट इन्होंने भेजा था. आई विल शेयर दिस फाइल विथ यू ऑल, सो डोंट वरी. ये पूरा इन्होंने नोटेशंस का यहाँ पे एक लिस्ट निकाला था. सो मल्टीप्लिकेशन के लिए यू कैन यूज दिस स्टार, डिविजन के लिए यू कैन यूज दिस फॉरवर्ड स्लैश. अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है ना, बहुत जगह लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल, तो अपने ये वाला साइन देते हैं, डबल टिल्ट साइन जिसको बोलते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो। सो दीज आर अ फ्यू शॉर्टकट्स विच दे हैव गिवन। स्क्वायर रूट के लिए आप स्क्वायर रूट टाइप कर सकते हो। ए प्रपोर्शनल टू बी दिखाने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, ए लेस देन बी ग्रेटर देन बी के लिए आप ऐसे लिख सकते हो। एक्स सबस्क्रिप्ट में आई जे के लिए आप एक्स अंडरस्कोर आई जे लिख सकते हो। ऑल ऑफ दीज विल डिस्कस, ऑल ऑफ दीज विल डिस्कस इन अ कमिंग क्लासेस। ये ग्रीक लेटर्स हैं। अल्फा यू कैन टाइप डाउन अल्फा, म्यू यू कैन टाइप डाउन म्यू, ठीक है। इंफिनिटी, ऑल ऑफ दीज विल टॉक इन अ कमिंग क्लासेस, जहाँ पे हम नोटेशंस को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में आई विल जस्ट टॉक अबाउट इक्वेशन एडिटर। IP आप कैसे लिख सकते हो, DP, डेल्टा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन राइट यूजिंग द नोटेशंस। देखो इन्होंने कितने अच्छे से लाइफ टेबल का भी दे रखा है। दिस इज फॉर CM1 स्पेशली, दोज हु आर अपेयरिंग फॉर, एंड ये सारे नोटेशंस के आपके लिस्ट हैं। क्लियर? आज की क्लास में लेट्स टॉक अबाउट इक्वेशन एडिटर कि आप कैसे यूज कर सकते हो। आई विल पर्सनली सजेस्ट कि आप नोटेशंस यूज करो। तो आज मैं थोड़ा टाइम लेके खाली इक्वेशन एडिटर सिखा देती हूँ। कहीं कहीं आपको लगे कि चलो इक्वेशन एडिटर यूज कर सकते हैं, इजी इक्वेशन है, तो वहां कर लो, बाकी जगह नोटेशंस यूज कर लेना, नो इश्यू। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग। नाउ लिस्ट ऑफ नोटेशंस आई हैव शोड यू ऑल। अब एक चीज और जो बहुत लोग पूछते हैं कि सपोज दिस इज माई क्वेश्चन पेपर, ठीक है, सपोज दिस इज माई क्वेश्चन पेपर। अब बहुत लोग होते हैं जो प्रिंट नहीं कर पाते क्वेश्चन पेपर, मेरे घर पे प्रिंटर नहीं है, इवन आई कैन नॉट प्रिंट, तो क्या करें? तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, फिर ऑल्ट टैब यूज करके वी मूव टू द वर्ड फाइल। ऑल्ट टैब प्रेस करने में टाइम निकल जाता है, ठीक है। तो ऑल्ट टैब इज द शॉर्टकट, जिनको नहीं मालूम यू कैन जस्ट सिंपली मूव अक्रॉस द टू जिसमें भी आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स में। So what you have to do is you can split the screen into two. अब split कैसे करें स्क्रीन को? सपोज यहाँ मुझे चाहिए अपना क्वेश्चन पेपर, यहाँ मुझे चाहिए अपना वर्ड फाइल। सो what you can do is विंडोज बटन होता है, विंडोज एंड राइट एरो। विंडोज राइट एरो से देखो क्या हुआ है, यहाँ पे ये मेरा राइट साइड आ गया, आई एम एंड लेफ्ट साइड जो मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए जस्ट सिलेक्ट दैट। तो ये आपका आ गया लेफ्ट साइड में, ये आपका आ गया right side. Now you all can simply use this. You can simply type your entire thing यहाँ पे word में, and you can at the same time look at the question paper. ठीक है? Clear है? कैसे करते हो? Control plus करके you can zoom in. Control plus, see? Control plus करके आप zoom in करो, Control minus करके zoom out. Control plus, Control minus. Control plus, Control minus. ठीक है, again a little bit of shortcut. Control plus, Control minus करके आप zoom in, zoom out कर सकते हो। Same यहाँ पे Control minus करके, Control plus करके you can zoom in, zoom out. ठीक है? So this is the first thing. You can split the screen into two. अभी के लिए I will show it in your in the full screen mode. Okay. So this I have showed you the notations का list. I have showed you how to split the screen. Now let's talk about equation editor. कि आप equation editor होता क्या है, कैसे हम उसको use करते हैं, उसका क्या advantage है। तो अगर suppose these are a few list of functions which I have written using equation editor. Equation editor होता क्या है? अब जब हम आपको जब पढ़ाते हैं पेन पेपर पे, बोर्ड पे, लैपटॉप पे, तो हम जब लिखते हैं तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, सपोज L इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ V बाय H, करेक्ट? बट इसको कैसे टाइप करें? इसके लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड इक्वेशन एडिटर। देखो जब मैं यहाँ पे कर्सर लेके जा रही हूँ, सो यू ऑल कैन जस्ट सी दीज आर नॉट सिंपल टेक्स्ट्स, दीज आर आई हैव रिटन एन इक्वेशन इनटू इट। देयर इज वन क्वेश्चन, कैन वी यूज इक्वेशन एडिटर इन IEI? नो, IEI में अगर आप वर्ड फाइल आपको ओपन करने को मिल रहा है, सो यू कैन यूज, अगर उन लोग टेक्स्ट एडिटर, उनका एक टेक्स्ट एडिटर होता है, अगर उसमें उन लोग आपसे एग्जाम ले रहे हैं तो शायद आप नहीं यूज कर सकते। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई विल लेट यू ऑल नो कि IEI में यू कैन, बट जहां तक आई नो यू कैन, आई थिंक सो आई लेट यू ऑल नो। अगर आप वर्ड फाइल यूज करते हो सो डेफिनेटली यू कैन यूज द इक्वेशन एडिटर, राइट? सो आई विल शो यू कैसे हम इक्वेशन एडिटर यूज करते हैं। राइट, इंसर्ट में जाओ एंड यहाँ पे आपको दो चीज मिलेंगे, सिंबल्स एंड इक्वेशंस. सो पहले लेट्स टॉक अबाउट दीज सिंबल्स जो यहाँ पे हैं. तो ये जो सिंबल्स हैं यहाँ पे, दीज आर अ फ्यू सिंबल्स विच आई हैव रिसेंटली यूज्ड. टू नो अबाउट मोर सिंबल्स जस्ट क्लिक ऑन दिस मोर सिंबल्स. यहाँ पे काफी सारे सिंबल्स हैं जो आपको दिखेंगे, जो आप लोग यूज करते हो. दिस इज डेल्टा, दिस इज सिग्मा समेशन के लिए, ठीक है. अगर आपको ग्रीक, दिस इज पाई, दिस इज एप्सिलॉन. अगर आपको ग्रीक सिंबल्स यूज करने तो आप यहाँ पे ग्रीक में देखो, सबसेट में ग्रीक में जाओगे, यू हैव अलॉट मेनी डिफरेंट सिंबल्स. आपको अगर यूज करना है, यू कैन जस्ट गो इनटू ग्रीक एंड यहाँ पे यू विल गेट ऑल द ग्रीक सिंबल्स. लैम्डा है, यू हैव ऑल, वेगा, म्यू, आपके सिग्मा, रो, ये मैं जनरली जो आप लोग यूज करते हो, अल्फा, बीटा, सारे सिंबल्स यहाँ पे हैं. तो इन ऑर्डर टू इंसर्ट दिस, आपको सपोज बीटा इंसर्ट करना है, जस्ट क्लिक ऑन बीटा, क्लिक ऑन इंसर्ट. तो देखो यहाँ पे बीटा इंसर्ट हो गया, यहाँ पे बीटा इंसर्ट हो गया एंड बीटा इंसर्ट हुआ. यहाँ पे रिसेंटली यूज्ड सिंबल्स में बीटा इधर पे आ गया, ठीक है. सपोज मुझे करना था अल्फा, सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन ग्रीक में जाऊंगी मैं अगेन and I will click on alpha insert. Generally जो important symbols जो हम generally use करते हैं वो आप यहाँ पे recently used में डाल सकते हो. And then what you can do is जब आप इस symbols में जाओ तो ये recently used में सारे आ जाएंगे. Delta, see? Recently used में आ जाएंगे. Generally आप लोग अगर IFOI से देते हो तो आप लोग को currency symbol use करना पड़ सकता है. करेंसी सिंबल, अगेन आप सिंबल्स में जाओगे, मोर सिंबल्स, यहाँ पे सर्च फॉर करेंसी, सर्च फॉर करेंसी एंड वहां जाके आप करेंसी सिंबल्स को निकाल सकते हो, ठीक है. सर्च फॉर करेंसी सिंबल्स एंड आप यहाँ से करेंसी सिंबल्स निकाल सकते हो. क्लियर है? ये सब रुपी सिंबल है, रुपी सिंबल है, यू हैव पाउंड्स, सो यू कैन जस्ट एक्सट्रैक्ट एनी सिंबल यू वांट टू करेंसी का, ठीक है. तो दिस इज योर सिंबल्स, बेसिक सिंबल्स जो आप यूज करते हो, आप उसको इंसर्ट कर सकते हो. एक और छोटा चीज बिफोर मूविंग टू इक्वेशन एडिटर, बहुत बारी क्या होता है कि हमें ऐसे लिखना होता है x टू दी पावर 2, ठीक है, x स्क्वायर. तो x फिर स्क्वायर लिखने के लिए आप ना सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो, विच इज हियर. दिस इज सबस्क्रिप्ट एंड दिस इज सुपरस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे, सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर. इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल इक्वल टू, इसका होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस. आई थिंक दिस इज नॉट देयर इन माई लिस्ट, आई विल एड इट डाउन. तो कंट्रोल, अगर सपोज मुझे सबस्क्रिप्ट में ऐड करना है, नीचे में ऐड करना है, सो आई विल क्लिक कंट्रोल इक्वल टू, देखो इसका कर्सर का साइज छोटा हो गया, 2 लिखा मैंने. वापस बैक टू नॉर्मल जाने के लिए कंट्रोल इक्वल टू एंड माय कर्सर साइजेस अगेन, ठीक है. वापस सेल शो यू एक्स स्क्वायर लिखना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ऊपर आ गया कर्सर, 2 लिखो. बैक टू नॉर्मल जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस, वापस सेम. क्लियर है? सो दीज आर अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स. बहुत बार आपको नहीं यूज करना है इक्वेशन एडिटर, बहुत बार आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है, यू कैन यूज सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट. कंट्रोल, कंट्रोल इक्वल टू फॉर सबस्क्रिप्ट, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू या फिर प्लस फॉर सुपरस्क्रिप्ट. अगर आपको लग रहा है अभी के लिए बहुत ओवरवेलमिंग है, इतने सारे शॉर्टकट्स हैं, नहीं. कंट्रोल एस, डी आई यू, ये 4 मेन जो अपने यूज कर रहे थे एंड दीज आर द 2 न्यू शॉर्टकट्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू. दीज आर द 5-6 शॉर्टकट्स व्हिच यू ओनली हैव टू यूज इन योर पेपर, ठीक है. ओके, मूविंग ऑन. इक्वेशन एडिटर, ये जो मैंने लिखा है इतने अच्छे से, इसको कैसे लिख सकते हैं? इंसर्ट में जाओ. Till then, any more questions? Chat box में नहीं? ओके, आई होप मेरे साथ अगर आप लोग को अभी प्रैक्टिस करना आप लोग कर सकते हो साथ में। तो सबसे पहले इंसर्ट में जाके इक्वेशन में जाएंगे, ठीक है। इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो अपने आप आपको काफी सारे इक्वेशंस ऑलरेडी यहाँ मिलेंगे जो इनबिल्ट है। मैंने नहीं डाला, दीज आर द बिल्ट इन इक्वेशंस, मैंने कुछ भी नया से नहीं डाला है। यू कैन एड योर ओन इक्वेशंस यहाँ पे, बट IFOA ने ये चीज करने को मना किया है। आप अपना इक्वेशन बना के यहाँ पे नहीं डाल सकते हो। पहले वाला इक्वेशंस आप जो बिल्ट इन इक्वेशंस है वो यूज करो बिंदास, कोई आपको रोक नहीं रहा, बट यू कैन नॉट पुट इन योर ओन इक्वेशन। मैं सिखाऊंगी कैसे करना है, बट आप नहीं कर सकते इन द एग्जाम, राइट। सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस इक्वेशन। द मोमेंट आई क्लिक ऑन द इक्वेशन, देखो क्या हुआ, एक इक्वेशन, एक एडिटर काइंड ऑफ अ थिंग आ गया, टाइप योर इक्वेशन हियर, ठीक है। आई हैव टू टाइप माई इक्वेशन। यहाँ पे टाइप करने के पहले दीज आर अगेन द सिंबल्स, कॉमनली यूज्ड सिंबल्स जो आप यूज कर सकते हो, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, प्लस माइनस, इन्फिनिटी, इक्वल टू, रो, गामा, ये सारे इक्वेशन, थीटा, एप्सिलॉन, सिग्मा, ये सारे इक्वेशंस आप यहाँ से सिंबल्स यहाँ से वापस से आप ले सकते हो इफ यू वांट टू, ठीक है। नेबुला, डेल्टा एंड ऑल ऑफ दोस, दीज आर अगेन अ फ्यू सिंबल्स व्हिच इज गिवन टू यू। नाउ स्ट्रक्चर्स में आओ, दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सपोज मुझे फ्रैक्शन के फॉर्म में कुछ लिखना है, सो यहाँ पे देखो दीज आर द डिफरेंट फ्रैक्शन के फॉर्म्स में आप लिख सकते हो। दीज आर द कॉमन फ्रैक्शंस व्हिच आर देयर, डी वाई बाई डी एक्स, जनरली ये यूज करते हैं अपने, ठीक है। डेल वाई बाई डेल एक्स, तो ये सारे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, पाई बाई टू, ये सारे कॉमन एक्सप्रेशंस है जो आप यूज कर सकते हो। एंड दीज आर द डिफरेंट फ्रैक्शंस, do you need the licensed version? See, what I will suggest is अगर आपके पास है that's the best option, क्योंकि बहुत बारी pirated version या फिर unlicensed version, unlicensed तो मे बी आपका 30 days में expire हो जाता है as far as I know। अगर आप use कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं आएगा ऐसे, बट हो सकता है वो hang करे थोड़ा, ठीक है। So it's better to have a licensed version if you do not have। Generally आजकल colleges में भी student office दे रहे हैं, कुछ colleges का I know Calcutta में and बाहर में they are giving because सब कुछ online हो रहा है, so they are giving Office 365 student version to their students। अगर आपके college में ऐसा कुछ है just make use of that, ठीक है। एकदम आराम से वो जो उन लोग दे रहे हैं student version उसको use करो, right, it's the best you can have। अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन नहीं है, ट्राई फॉर 1 month, अगर आपका लैपटॉप उतना हैंग नहीं हो रहा यू ऑल कैन कंटिन्यू, अदरवाइज गेट लाइसेंस वन। तो ये आपके हो गए फ्रैक्शंस, ये हो गए आपके ई टू दी पावर जो भी आपको लिखना है, एक्स टू दी पावर। सो देखो यहाँ पे ये सब क्या बॉक्सेस जो है ना वो हम लोग अभी समझेंगे क्या है। दीज आर द कॉमनली यूज्ड वंस। रेडिकल इक्वेशन, स्क्वायर रूट के अंदर कुछ लिखना है आपको, क्यूब रूट करना है, whatever it is, तो आप यहाँ पे these are the common ones। Integral equations again very common, double integral, these are the integrals, definite, indefinite, these are the summations, pi operations and the summation operations। तो generally हम ये दोनों या फिर ये दोनों use करते हैं। We have all the brackets, we have again trigonometric equations है नहीं तो उतना हम नहीं deal करेंगे। We have different accents, ऊपर में 2 डॉट, बार, सिंगल डॉट, टिल्ट साइन, ये सारा चीज यहाँ आते हैं। वी हैव ऑल द लिमिट, लॉग एंड लिमिट, एलएन, मैक्स, मिन, बहुत बार लॉग एंड लिमिट एलएन हम यूज करते हैं। दीज आर द डिफरेंट ऑपरेटर्स, प्लस माइनस, इक्वल टू व्हाटएवर, एंड मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आपको कुछ मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है सो यू कैन यूज दीज। सो दीज आर अ फ्यू स्ट्रक्चर्स विच आर ऑलरेडी देयर विच यू कैन यूज एंड इसमें आप टाइप कर सकते हो। सो आई विल शो यू ऑल My very first equation in equation editor। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है तो आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस करना है। आज के क्लास के बाद आप लोग इक्वेशन एडिटर प्रैक्टिस करो। फ्रॉम माई कमिंग क्लासेस मैं नोटेशंस में जनरली सिखाऊंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर यूजिंग नोटेशंस, तो इसलिए आई विल कीप अ लिटिल शॉर्ट टुडेज क्लास। आई विल एक्सप्लेन पूरा इक्वेशन एडिटर। इन कमिंग क्लासेस जो भी डाउट्स हैं ऑब्वियसली आई विल टेक। तो सबसे पहले L, ये मैं इस वाले इक्वेशन को लिख रही हूँ यहाँ पे, इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर है V बाय H, ठीक है। तो अब अगर मुझे स्ट्रक्चर यूज करके करना है, रेडिकल में जाएंगे, ये यूज करेंगे स्क्वायर रूट, बॉक्स आया, इस बॉक्स में बेसिकली अब आप टाइप करोगे, जस्ट क्लिक ऑन दिस बॉक्स, इसमें आप टाइप करोगे, बट यहाँ मुझे क्या यूज करना है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में गए, इस पे क्लिक करा, तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज हो गया। पहले रेडिकल में गए, स्क्वायर रूट सेलेक्ट किया, फ्रैक्शन में गए, फ्रैक्शन सेलेक्ट किया, नाउ क्लिक ऑन दिस टॉप बॉक्स, V लिखो, नीचे वाला बॉक्स H लिखो। ठीक है, क्लियर है ये वाला कैसे हमने एक्सप्रेशन यूज करके किया। रेडिकल में जाओ, रेडिकल में जाओ, सिलेक्ट दिस, देन फ्रैक्शन में सिलेक्ट दिस, तो आपने वैसे करके पूरा लिखा। नाउ सपोज मुझे ये स्ट्रक्चर के बिना लिखना है, तो कैसे करेंगे। अब देखो इक्वेशन एडिटर यूज करने के लिए एक शॉर्टकट होता है, हर बारी आपको इंसर्ट में जाके इक्वेशन नहीं लिखना, इसका शॉर्टकट इज ऑल्ट इक्वल टू। ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करते ही यू विल गेट दिस इक्वेशन एडिटर, ऑल्ट इक्वल टू, ठीक है, सिंपल, ऑल्ट इक्वल टू ये आया। अब मैं इसको नॉर्मली लिख के दिखाती हूँ, एल इक्वल टू विदाउट यूजिंग दी स्ट्रक्चर्स। अब ना बहुत ही आसान होता है, इसमें आपको कुछ भी लिखना है ना, उसके आगे आप बैकवर्ड स्लैश लगाओ, ऐसा स्लैश लगाओ। सपोज मुझे शॉर्टकट यूज कर, मुझे स्क्वायर रूट डालना है, सो आई विल यूज दिस स्लैश, ठीक है, एंड आई विल राइट SQRT स्पेस डाला, देखो क्या हुआ, अपने आप वो स्क्वायर रूट का साइन आ गया। अब मुझे ये रेडिकल यूज नहीं करना पड़ा, ठीक है। इसमें लिखेंगे V बाय H, कैसे लिखेंगे, वापस से ये वाला चीज मैं नहीं यूज करूंगी, ब्रैकेट ओपन, क्योंकि मुझे V बाय H पूरा स्क्वायर के, इस स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है, ब्रैकेट ओपन, V, ये वाला देखो फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश नहीं, फॉरवर्ड स्लैश, H, ब्रैकेट क्लोज, स्पेस प्रेस करते ही देखो क्या हुआ, ये अपने आप इस पूरे फॉर्म में आ गया विदाउट यूजिंग दीज रेडिकल्स। वापस से दिखाती हूँ, इसके बाहर कैसे हटे, बाहर कैसे निकले, स्क्वायर रूट के बाहर, क्लिक ऑन दिस राइट एरो, द मोमेंट यू क्लिक ऑन द राइट एरो देखो गायब चले गए, ठीक है, स्पेस गए। अब एक वापस से मैं दिखाती हूँ, फॉर दोज हु हैव मिस्ड मे बी, ऑल्ट इक्वल टू L इक्वल टू स्क्वायर रूट कैसे डालते हो, बैकवर्ड स्लैश, SQRT स्पेस, जब भी ये लिखोगे कुछ भी तो स्पेस डालने से आपका वो चीज आ जाएगा, स्पेस डाला मैंने, नाउ V बाय H पूरा ब्रैकेट के अंदर जाएगा ना, तो इसीलिए हमें ब्रैकेट डालना, पूरे स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा, V फॉरवर्ड स्लैश, H ब्रैकेट क्लोज, अगेन स्पेस करते ही आपका ये आ गया। डू नॉट जस्ट टाइप ऑन गिव कंटिन्यू गिविंग स्पेस, आपको इसके बाहर निकलने के लिए क्लिक ऑन राइट एरो क्लिक करते ही आप इसके बाहर आ जाओ। बताओ यहाँ तक क्लियर है कैसे किया, बहुत सिंपल। अब ये जो हमने बैकवर्ड स्लैश के बाद स्क्वायर रूट लिखा ना, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो आप यूज कर सकते हो, खाली स्क्वायर रूट नहीं, मैंने पूरा लिस्ट यहाँ पे दे रखा है। ऑब्वियसली अब आपको लग रहा होगा इतना सब याद करना पड़ेगा, नहीं, आई हैव गिवन यू सम ऑफ द लिस्ट, पूरा जो मुझे मिला, जो मुझे लगा कि हाँ ये यूज हो सकता है, बट इसमें से काफी कम ही यूज होगा, ज्यादा कुछ होगा नहीं, और आपको याद हो जाएगा। इनफैक्ट बहुत सिंपल है, स्क्वायर रूट के लिए ये पाई लिखना है तो हम लोग देखेंगे अभी, तो मैंने 5-6 इक्वेशंस लिए हैं आज की क्लास में जो हम लोग देखेंगे, आप लोग को ये वाले वापस से खुद से प्रैक्टिस करने हैं, देन नोटेशंस तो हम सीखेंगे। So this is how you do it. Now the next thing is, ये मैं एक बार डिलीट करूँ, यहाँ पे जब आप इस एरो पे क्लिक करोगे, if you want to change the indentation, like आपको इसको रखना है लेफ्ट में, सेंटर में नहीं, so change टू डिस्प्ले पे क्लिक करो, ठीक है, चेंज टू डिस्प्ले पे क्लिक करो एंड वो अपने आप पूरा लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। सी चेंज टू इनलाइन, चेंज टू इनलाइन पे क्लिक करो and it will obviously अच्छा because this is two equations in the same line इसलिए ऐसा हो रहा है। बट ये देखो इस पे क्लिक करके change to display, change to inline तो अपने आप नीचे पीछे चला गया, लेफ्ट अलाइन हो गया। या फिर आप एक और चीज कर सकते हो, जस्टिफिकेशन में जाओ एंड लेफ्ट में क्लिक करो। अभी सेंटर्ड एज अ ग्रुप है तो आप जितने बार भी डालोगे तो सेंटर्ड एज अ ग्रुप बीच में ही आएगा इक्वेशन एडिटर। लेफ्ट लेफ्ट अलाइन हो गया। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ भी पूछना है? दिस वाज अ वेरी बेसिक इक्वेशन व्हिच वी हैव रिटन। एनीवन एनी डाउट्स इन दिस पोर्शन? मैम सेम वे सेम तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया। आई एम चेंजिंग द इंडेंटेशन अगेन लेफ्ट में। बहुत सिंपल, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इक्वेशन। मैं एक और इसका सेटिंग्स आपको चेंज करके दिखाऊंगी अभी, बट बिफोर दैट अगेन इफ आई वांट टू राइट दिस इक्वेशन कैसे लिखे? ऑल्ट इक्वल टू इक्वेशन एडिटर आ गया। अगेन ये बार बार बीच में क्यों आ रहा है? आपको इसका इंडेंटेशन चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको परमानेंटली चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे मैं इसके बाद दिखाऊंगी। एच इक्वल टू क्या है मेरा इक्वेशन? देखो पूरा इक्वेशन के बाहर में 1/3 है, तो अगर आपको ये क्या है ऊपर में सुपरस्क्रिप्ट है तो आप ये वाला चीज यूज कर सकते हो यहाँ पे। स्क्रिप्ट में जाके ये मैंने क्लिक किया, इस वाले बॉक्स में आप ब्रैकेट में पूरा चीज लिख सकते हो। 3v//2। ये पाई कैसे दें? दो तरीका है, या तो पाई का सिंबल यहाँ से ऐड करो, ठीक है, या तो पाई का सिंबल यहाँ से ऐड करो, और मैं क्या करूंगी यहाँ पे /PI स्पेस ब्रैकेट क्लोज। इधर पे यू कैन राइट 1/3। क्लिक ऑन स्पेस एंड वो अपने आप पूरा चीज कवर हो जाएगा। क्या किया मैंने? वापस से इक्वेशन में जाके स्क्रिप्ट वाला ये वाला चीज सिलेक्ट किया, सुपरस्क्रिप्ट वाला। इस वाले बॉक्स में मैंने ब्रैकेट बना के 3v//2, या तो आप जाके यहाँ पे पाई का सिंबल इंसर्ट कर सकते हो, या फिर देखो शॉर्टकट आ रहा है /PI स्पेस डालो, अपने आप पाई का सिंबल आ जाएगा। ये बेसिक मैथ के सारे सिंबल्स हैं। अगर आपको और भी चाहिए, ग्रीक चाहिए, एरो चाहिए, स्ट्रिप्स चाहिए, ज्योमेट्री चाहिए, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ग्रीक लेटर्स, डिफरेंट ऑपरेटर्स, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, ठीक है, ज्योमेट्रिक इक्वेशंस। ये चीज क्लियर है सबको? अदर वे ऑफ डूइंग इट इज again alt equal to, without using these structures, h equal to, देखो मैं अभी ये सब नहीं यूज कर रही, ये मैंने ये यूज करा था ना, मैं ये यूज नहीं कर रही। ब्रैकेट ओपन 3v//2 /PI स्पेस, टाइम में चेंज हुआ, ब्रैकेट क्लोज, अपने आप ये हो गया। अब मेन चीज ऊपर में 1/3 लिखना है। ऊपर में 1/3 लिखने के लिए वी विल यूज दिस कैरेट सिंबल। ये कहाँ होते हैं? आपके ऊपर देखो नंबर बटन में 6 के ऊपर होता है। शिफ्ट प्रेस करके आपको 6 प्रेस करना है, यू विल गेट दिस कैरेट सिंबल। ब्रैकेट ओपन। क्यों ब्रैकेट ओपन? क्योंकि 1/3 पूरा जाएगा ना ऊपर। अगर खाली ब्रैकेट ओपन नहीं करोगे तो खाली 1 चला जाएगा, पूरा जाना है। सो 1/3 ब्रैकेट क्लोज, देन आई जस्ट क्लिक ऑन स्पेस। तो देखना स्पेस क्लिक करते ही पूरा चीज नॉर्मलाइज हो गया, ठीक है। सो आइदर यू कैन यूज दिस और आप ऐसे इसको लिख सकते हो। आपको इसका इंडेंटेशन वापस चेंज करना है तो जस्टिफिकेशन जाके लेफ्ट। बार बार अगर ये चीज अवॉइड करना है हमें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन में जाओ, इक्वेशन में क्लिक करके कोई भी इक्वेशन पे जाओ, ये वाला यहाँ पे पूरा ये बटन के इस बॉक्स में यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा एरो इक्वेशन ऑप्शंस, क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन दिस। यहाँ पे जस्टिफिकेशन में देखना बाय डिफॉल्ट सेंटर्ड एज ग्रुप है, बाय डिफॉल्ट सेंटर्ड एज ग्रुप है, तो इसको अपने क्या करेंगे लेफ्ट, बाय डिफॉल्ट को चेंज करके लेफ्ट, ओके, तो वो अपने आप सारा इक्वेशन मेरे लेफ्ट में चला जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है, थम्स अप, सबको क्लियर हो रहा है यहाँ तक, वेरी गुड, ठीक है। तो ये है बेसिक तरीका यूज करने का, ठीक है। दीज वर द बेसिक इक्वेशंस व्हिच वी हैव रिटन, और भी दो तीन है जो हम लोग को समझना है, दो तीन और इक्वेशंस करते हैं तो अपने आप ये चीज और क्लियर होते जाएगा। अगेन मुझे ये वाला इक्वेशन लिखना है अभी, ठीक है, तो कैसे, ऑल्ट इक्वल टू, करेक्ट, ऑल्ट इक्वल टू, अब देखो अपने आप लेफ्ट अलाइंड है, सेंटर में नहीं आया बिकॉज मैंने वो चेंज कर दिया ना, मैंने वो चेंज कर दिया था। अब म्यू, ये म्यू है फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश म्यू, स्पेस दो अपने आप म्यू आ जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग दिस सिंबल यहाँ से सिलेक्ट करके आपको क्या करना पड़ता है, आप यहाँ जाते फिर म्यू पे क्लिक करते तो आपका म्यू आता है, इंस्टेड ऑफ दैट मैंने बैकवर्ड स्लैश एम यू म्यू इक्वल टू, अब देखो ये पूरा चीज दिस इज सम, अगेन सम का सिंबल आप कैसे ला सकते हो, अगेन यहाँ पे क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में तो सबसे पहले आप क्या करोगे फ्रैक्शन में जाओगे, ठीक है, फिर ऊपर वाले में जाओगे न्यूमरेटर में, समेशन है तो आप यहाँ पे समेशन का साइन लोगे और यहाँ पे जाके you want ऊपर नीचे i n and यहाँ पे x, तो you can select this or you can select this, select किया, यहाँ लिखा हमने i, यहाँ लिखा हमने n, यहाँ लिखा हमने x and यहाँ हम लिख देंगे n, बट इसमें तो टाइम लगेगा ना, so again the easier method to do this, Alt equal to new space देते रहना, now ब्रैकेट में, क्यों ब्रैकेट में, क्योंकि ये डिवाइड बाय आएगा एक चीज इसीलिए। अब ये समेशन का सिंबल कैसे लाएं, सम लिखना है खाली, समेशन का सिंबल आ जाएगा, ठीक है, देख लो स्पेस प्रेस करो समेशन का सिंबल आ गया। सुपरस्क्रिप्ट में n, सबस्क्रिप्ट में i, तो सबस्क्रिप्ट पहले लिखते हैं फिर सुपरस्क्रिप्ट लिखते हैं, तो सबस्क्रिप्ट लिखने के लिए अंडरस्कोर, अंडरस्कोर i, एंड सुपरस्क्रिप्ट लिखने के लिए कैरेट n स्पेस, देखो अपने आप i n ऐसे आ गया, अपने आप i n ऐसे आ गया, ठीक है। मैं इसको एक बार हटाती हूँ इधर से, देखो अपने आप आई एन ऐसे आ गया। नाउ यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक्स, जस्ट क्लिक ऑन राइट एरो टू मूव आउट ऑफ इट, देखो अगर आप ये अभी भी आपका बॉक्स में है ना तो आप स्पेस करोगे तो ये स्ट्रेच होता जाएगा, तो स्पेस नहीं देना है, राइट एरो बाहर निकलने के लिए राइट एरो, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय एन एंड राइट एरो, या फिर आप दे सकते थे स्पेस, स्पेस देते ही क्या होता, ये पूरा चीज नॉर्मलाइज हो जाएगा। एक छोटा चीज यहाँ पे, ये आई और एन मुझे यहाँ नहीं चाहिए, साइड्स में नीचे, ऊपर और नीचे चाहिए, तो उसका अगेन एक सेटिंग होता है, इक्वेशन में जाओ, तो उसका अगेन एक सेटिंग होता है, इक्वेशन में जाओ, इधर पे क्लिक ऑन दिस ऑप्शंस, एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, डिस्प्ले मैथ, देन बिल्डिंग अप इंटीग्रल्स, प्लेस इंटीग्रल लिमिट्स टू द साइड। तो जब इंटीग्रल भी बनाते हो तो ऐसे साइड में चाहिए इंटीग्रल या ऊपर नीचे चाहिए डेफिनेट इंटीग्रल में। जब ये वाला एरे बनाते हो तो साइड्स में चाहिए या ऊपर नीचे चाहिए। सो देयर इज एन ऑप्शन प्लेस इंटीग्रल लिमिट्स टू द साइड, मतलब साइड में आएगा। प्लेस इंटीग्रल लिमिट्स सेंटर एंड अबव, सेंटर्ड अबव एंड बिलो। तो मुझे अबव एंड बिलो चाहिए, यहाँ पे भी मुझे अबव एंड बिलो चाहिए। क्लियर, मैंने ये वाला ऑप्शन सेट कर दिया। ओके पे क्लिक करते हैं। अब इसके बाद से जो भी नेक्स्ट इक्वेशंस बनाओगे ना, देखो ये ऐसे है अबव एंड बिलो, उसमें ये ऊपर नीचे आएगा। हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट इक्वेशन, उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे वो ऊपर नीचे आ रहे हैं। ये क्लियर है? ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट इक्वेशन। ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, यहाँ पे एक लिमिट है जो आपको यूज करना है। सो अगेन ऑल्ट इक्वल टू, अगेन आप यहाँ जाओगे लिमिट में, अगेन आप लिमिट वाला चीज यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो लिमिट का ऑप्शन है, मैं ये वाला नहीं करके दिखा रही, ये आप लोग खुद से कर सकते हो। हम क्या करेंगे, वील यूज डायरेक्टली। तो अगेन फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश, नहीं बैकवर्ड स्लैश नहीं, लिमिट के लिए यू कैन सिंपली राइट आई एल एम, लिमिट के लिए यू कैन सिंपली राइट आई एल एम। ठीक है, लिमिट, एंड देन इन द डिनोमिनेटर, इन द सुपर, इन द सबस्क्रिप्ट हमें चाहिए x टेंस टू 5। ठीक है, इन द सबस्क्रिप्ट हमें चाहिए x टेंस टू 5। तो ये कैसे लिखेंगे, अंडरस्कोर, अगेन क्योंकि सबस्क्रिप्ट है, ब्रैकेट ओपन, x। देयर इज दिस एरो सिंबल, ये एरो सिंबल या तो यहाँ इक्वेशंस में जाके ये एरो यहाँ से यूज कर सकते हो, ठीक है, या तो इसका 2-3 शॉर्टकट होता है जो यूज कर सकते हो। व्हाट आर दीज शॉर्टकट्स नाउ? सो आई विल शो यू 2 शॉर्टकट्स। देखो, या तो माइनस एंड ग्रेटर देन का साइन, अपने आप एरो में चेंज हुआ, माइनस एंड ग्रेटर देन का साइन। वापस देखो, माइनस ग्रेटर देन का साइन, या फिर बैकवर्ड स्लैश राइट एरो स्पेस। मैंने एरो का स्पेलिंग अलग लिखा है, राइट एरो, दोनों चीज, माइनस ग्रेटर देन साइन या फिर बैकवर्ड स्लैश राइट एरो लिख सकते हो। एंड देन यू विल राइट 5 ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये पूरा चीज जो है हमारा सब्सक्रिप्ट में जाएगा। जैसे ही स्पेस प्रेस करोगे देखो आ गया ना इसके नीचे। एंड नाउ हियर यू कैन राइट अगेन ब्रैकेट, क्योंकि ये पूरा ऊपर नीचे है। मैं ये फ्रैक्शन यूज नहीं कर रही हूँ, आई एम यूजिंग इट विदाउट, आई एम डूइंग इट विदाउट द फ्रैक्शन। एक्स स्क्वायर है, अच्छा 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्यों? क्योंकि एक तो पूरा ब्रैकेट ओपन करें, यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, और एक ब्रैकेट में पूरा ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो एक ब्रैकेट और ओपन किया, एक्स स्क्वायर इस माइनस 25 ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया न्यूमरेटर, फॉरवर्ड स्लैश, वापस से ब्रैकेट ओपन, एक्स स्क्वायर, ये मैं डिनोमिनेटर लिख रही हूँ, प्लस x माइनस, प्लस x माइनस 30, ब्रैकेट क्लोज। अगेन एक ब्रैकेट क्लोज होगा, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट जो मैंने ओपन किया था ताकि वो पूरा फ्रैक्शन के फॉर्म में आए, स्पेस। ठीक है, अगर आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते तो भी आप ऐसे लिख पाते। क्लियर है ये पूरा चीज? लिमिट हमने कैसे लिखा, आइदर यू कैन यूज दीज स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे जो है यू कैन यूज दीज सिंबल्स, बट उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली इस बारी ऐसे करके दिखाया। एनी क्वेश्चंस चैट बॉक्स में लिखो। नेक्स्ट ये एक और इक्वेशन है, यहाँ पे ये करके देखते हैं। How to can you explain again how to change the summation limits on up and top? Yes, मैं दिखा रही हूँ इसको। यहाँ कोई भी इक्वेशन पे क्लिक करो तो ये इक्वेशन वाला एक टैब ओपन होगा। इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन है इक्वेशन ऑप्शंस, इसमें जाओ, इस पे क्लिक करो। You get this box. इसमें click on place integral limits centered above and below. ठीक है, ओके। ये वाला इक्वेशन लिखते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगेन alt equal to s ब्रैकेट में k इक्वल टू, अब ये देखो इंटीग्रल है तो वापस यहाँ पे स्ट्रक्चर में इंटीग्रल यूज कर सकते हो। ये सारा कोई भी ये वाला यूज करेंगे या फिर ये वाला यूज कर सकते हो। ऊपर नीचे आएगा, यहाँ पे साइड्स में आएगा, ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। या फिर टाइप करो INT तो ये इंटीग्रल के फॉर्म में आएगा। ठीक है, स्पेस इंटीग्रल आ गया। अब मुझे यहाँ चाहिए 1, यहाँ चाहिए के। मैंने क्या बोला, पहले सबस्क्रिप्ट लिखते हैं फिर सुपरस्क्रिप्ट लिखते हैं। सो अंडरस्कोर 1 रूट कैरेट के स्पेस। देखो ऊपर नीचे चला गया, क्यों ऊपर नीचे गया, साइड्स में नहीं गया, क्योंकि मैंने वो चीज चेंज किया था। यहाँ से प्लेस इंटीग्रल्स अबव एंड बिलो ये मैंने चेंज किया था, इसीलिए ये ऊपर नीचे चलेगा। साइड्स में रखना है, साइड्स में रखो जैसे 2 पाई। अब ये 1/x पूरा क्या है वापस फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे फ्रैक्शन इंसर्ट करो या तो वापस से ब्रैकेट में लिखेंगे 1/x। अगर ब्रैकेट्स नहीं देना तो क्या कर सकते थे, स्पेस देके 1/x लिख के स्पेस करो तो भी आ जाएगा। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, सो यू कैन डू दिस एंड देन वापस से स्क्वायर रूट, पूरा चीज देख लो, स्क्वायर रूट के अंदर है स्पेस ब्रैकेट, ब्रैकेट में पूरा चीज लिखेंगे 1+ एंड एवरीथिंग। यस, सुपरस्क्रिप्ट कैसे टाइप किया हमने, कैरेट सिंबल देके। मैं यहाँ पे दिखाऊंगी वापस। इधर पे हमने क्या किया था, इंटीग्रल अंडरस्कोर 1 कैरेट वाला साइन के एंड प्रेस स्पेस तो वो अपने आप सारा आ जाएगा। मैं यहाँ पे फिर से दिखाऊंगी 1+। नाउ विद इन दीज ब्रैकेट्स, ब्रैकेट ओपन किया, d/dx, d/dx स्पेस। ठीक है, d/dx ब्रैकेट 1/x, 1 अगेन डिवाइड x ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखो जिसने पूछा है ना सुपरस्क्रिप्ट कैसे करते हैं, ये देखो यहाँ पे 2 कैसे लिखेंगे, इसको देना कैरेट सिंबल, Shift 6 प्रेस करो 2 एंड स्पेस, ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि ये सारा चीज मेरा स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, स्पेस dx। अब इसके बाहर कैसे निकले, इस पूरे इंटीग्रल के बाहर कैसे निकले, राइट एरो प्रेस करो, बाहर आ जाओगे। इंटीग्रल अंडरस्कोर 1 टू दी पावर कैरेट वाला सिंबल के 2π1/x ये पूरा स्क्वायर रूट फिर ब्रैकेट में क्योंकि ये पूरा चीज स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 1 प्लस ये पूरा लिखा आपने स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज स्पेस तो ये पूरा स्क्वायर रूट वाला चीज खत्म हो गया dx ठीक है। Now this is again one equation. I will give you all this to practice. ये बार कैसे आ रहे हैं वो मैं दिखाऊंगी, ये सिग्मा कैसे आ रहे हैं वो मैं दिखाऊंगी। This is again an equation. ये मैं दिखाती हूँ अभी next. ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको ये फाइल दे दूंगी। ये वाला पहले देखते हैं and then a few more things, just 10 minutes for this class and then we can end today's class. Alt equal to ये ब्रैकेट में जाएगा पूरा चीज x प्लस ये क्या है बीटा। बीटा कैसे लिखें, या तो वापस से सिंबल्स में जाके बीटा सिलेक्ट करो, ग्रीक्स में जाके पूरा यू विल गेट योर बीटा यहाँ पे, और यू कैन डू इज बैकवर्ड स्लैश बीटा स्पेस ब्रैकेट क्लोज टू द पावर n स्पेस इक्वल टू। अब देखो वापस ये पूरा समेशन के फॉर्म में, तो या तो आप यहाँ जा सकते थे इक्वेशन में एंड यहाँ पे आप समेशन वाला चीज सिलेक्ट कर सकते हो ठीक है यहाँ पे, या फिर हम टाइप करेंगे sum स्पेस। अब देखना वापस जिसने पूछा था ना उस समय अंडरस्कोर पहले सबस्क्रिप्ट लिखते हैं k इक्वल टू 0 ब्रैकेट क्लोज क्योंकि ये पूरा चीज सबस्क्रिप्ट में जाएगा कैरेट n p इक्वल टू 0 n स्पेस। ये ऊपर नीचे क्यों आया, बिकॉज हमने यहाँ पे वो ऑप्शन चेंज किया था। अब देखो ये अगर आप लोग को पता है ये जो नोटेशन होता है ये होता है चूज कॉम्बिनेशन n c k, ये होता है n c k। ये इक्वेशन आई थिंक आप लोग टेबल बुक में देखे हो बहुत बार n c k ठीक है, बाइनॉमियल एक्सपेंशन है ये। एन सी के कैसे लिखे अब हम लोग, या तो अगेन आप लोग ब्रैकेट दो। नाउ ये आपको इट्स लाइक अ फ्रैक्शन बट यहाँ पे कोई आपका डैश नहीं है, लाइन नहीं है, तो ये एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है, तो हम लिखेंगे एन ध्यान से देखना बैकवर्ड स्लैश अटॉप एन एक के ऊपर है, सो एन अटॉप स्पेस ये भूल जाओ लाइन क्यों आ रहा है अभी के ब्रैकेट क्लोज एंड स्पेस आ गया। वापस दिखाती हूँ ये जो मैंने ऐसे किया ना, अगर आपको नीचे जाना है ऊपर जाना है जस्ट यूज द एरो बटन्स, यूज द एरो बटन्स राइट लेफ्ट ब्रैकेट एन अटॉप स्पेस के ब्रैकेट क्लोज स्पेस। तो सिंबल है k टू द पावर k x टू द पावर k स्पेस बीटा स्पेस टू द पावर वापस से देखो n माइनस के पूरा साथ में है, खाली n नहीं है, तो n माइनस के ब्रैकेट में जाएगा स्पेस राइट आर। क्लियर है कैसे किया हमने इसको, वापस आप लोग प्रैक्टिस एक बार और, बस एक बार और करना पड़ेगा, हो जाएगा फिर। एंड मैंने यहाँ पे सारे लिस्ट दिए हुए हैं ऑल्ट इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स, फिर आप कैसे लिखते हो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में ठीक है, सबस्क्रिप्ट में हम लोग ये अंडरस्कोर देते हैं, फ्रैक्शन लेफ्ट एरो राइट एरो, राइट एरो के लिए माइनस एंड ग्रेटर देन साइन, अप एरो डाउन एरो ये जनरली हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, फिर हम लोग ये वाला एरो बहुत यूज करते हैं। तो इसके लिए कैपिटल आर राइट एरो, मल्टीप्लिकेशन के लिए टाइम्स, प्लस माइनस के लिए प्लस पीएम ठीक है। तो ये आपके कुछ है, प्रपोर्शन के लिए प्रोप टू प्रपोर्शन टू, समेशन हमने देखा ठीक है, फॉर ऑल एक दो चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगी, ये वाला चीज, ठीक है, यहाँ पे दिखाती हूँ। ऑल्ट इक्वल टू, बहुत बार लिखना होता है ना मीन एक्स बार के लिए, तो एक्स बार स्मॉल बी स्पेस, वापस एक स्पेस देना, देखो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे देना है डबल बार, अगर कहीं पे आपको डबल बार देना है, सो कैपिटल बी ए आर, दो बार स्पेस। आपको अगर यहाँ पे वेक्टर बनाना है ऊपर में, तो एक्स वेक, दो बार स्पेस। ए डबल डॉट एन्युटी के लिए, ए डबल डॉट के लिए क्या, दो बार डी लिखना है डॉट, दो बार स्पेस। दो बार स्पेस क्यों, ताकि वो शिफ्ट होके बीच में आ जाए। बहुत बार आपको एक्स हैट लिखना पड़ता है, तो एक्स हैट स्पेस दो बार। बहुत बार आपको एक्स ऊपर में टिल्ट का साइन देना पड़ता है एस्टिमेट के लिए, एस्टिमेटर के लिए, तो टिल डे, ये वाला टिल डे स्पेस दो बार टिल डे। और क्या करते हो, बहुत बार लिखते हो ना डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स को अपने ऐसे भी लिखते हैं वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, तो y देख लो y एंड यहाँ पे प्राइम, दो बार स्पेस। y दो बार p लिखे प्राइम लिखोगे तो डबल डैश आ जाएगा, तीन बार प्राइम, तीन बार p लिखोगे तो ट्रिपल डैश आ जाएगा। दीज आर अ फ्यू कॉमन नोटेशंस विच यू कैन यूज, कॉमन शॉर्टकट्स विच यू कैन यूज। बहुत सिंपल है, सबका नाम ही वैसा है, बार, दो बार चाहिए तो कैपिटल बी, दो डॉट चाहिए तो दो बार डॉट, एंड सो। अब ये स्क्वायर रूट मैंने कराया और टॉप मैंने कराया। नाउ ग्रीक लेटर्स जैसे हम कर रहे हैं अल्फा बीटा गामा, तो आप सिंपली क्या करते हो, बैकवर्ड स्लैश देके जो भी आपको चाहिए, थीटा डेल्टा सिग्मा, ये सारी चीज आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, पाई म्यू फाई, ये सारी चीज आपको यहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, so these were the few equations which we have written यहाँ पे, these are the few equations which we have written। अगर आपको प्रैक्टिस करना है, I will send the sheet, I will upload it in the comment section में, YouTube में मैं डाल दूंगी, and या फिर मैं आपको सबको ग्रुप में भेज दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। So all of these are there। कस्टम सेटिंग्स में मैंने दिखा दिया कैसे हम चेंज किया हमने इक्वेशन में जाके, यहाँ पे अगर आपको ऊपर नीचे चाहिए, एंड अगर आपको हमेशा लेफ्ट अलाइन चाहिए, सो जस्टिफिकेशन जस्ट सेव दैट। लास्ट एकदम छोटा सा चीज, अगर मुझे इस इक्वेशन को सेव करना है, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड सेव एज अ न्यू इक्वेशन में क्लिक करो। इक्वेशन का जो भी आपको नाम देना है, सपोज ए बी सी या फिर डेमो, क्लिक ऑन ओके, एंड ये ना अब आपका इक्वेशंस में सेव हो जाएगा। सो व्हेन यू गो टू दिस इंसर्ट एंड यू गो टू दिस इक्वेशंस, तो यहाँ पे आपका देखो डेमो बोल के यहाँ पे सेव हो गया है। तो अगर आपको वापस से यूज करना है, यू जस्ट हैव टू, सपोज मैं नेक्स्ट लाइन में गई, यहाँ पे मुझे इंसर्ट करना है, इंसर्ट में जाओ, इक्वेशन में जाओ एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस। कैसे किया मैंने, इस पे क्लिक करके सेव एज अ इक्वेशन। बट अगेन एग्जाम में आप लोग सेव्ड इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, आप लोग सेव्ड इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। सो आई विल डिलीट दिस इक्वेशन, I will delete this equation, ठीक है, I will delete it। कोई भी हम लोग खुद का इक्वेशन बना के नहीं डाल सकते और उसको नहीं यूज कर सकते। सो दिस वॉज योर फर्स्ट क्लास ऑफ मैथमेटिकल टाइपिंग। आपको जो भी क्वेश्चंस है, यू ऑल कैन आस्क मी नाउ, और आई विल कीप मोर क्लासेस, हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। हमने क्या सीखा क्विकली इन अ जिस्ट, कि आपको फाइल नेम, हेडर, फुटर क्या देना होता है। CB1 CB2 का मैंने थोड़ा बताया, CM1 CM। नाउ एवरी पेपर में कुछ कुछ स्पेसिफिक होता है, तो अब मैं पेपर वाइज ही जाऊंगी, एंड इसके बाद फ्रेश पेज में हमें स्टार्ट करना है हर एक क्वेश्चन को। याद रखना, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन में यू जस्ट गिव योर कीवर्ड्स, ठीक है। नोटेशंस का लिस्ट मैंने आपको दिखाया, आई विल सेंड दैट, हम लोग वो भी यूज कर सकते हैं। कैसे आप लोग इक्वेशन एडिटर यूज कर सकते हो, एंड देन इक्वेशन एडिटर के हमने वो बैकवर्ड स्लैश यूज करके काफी सारा यूज किया इक्वेशंस। सो दीज आर देयर। कस्टम सेटिंग्स थोड़ा बताया, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस कैसे हटाते हैं हमने वो सीखा। इन आवर नेक्स्ट क्लास से हम लोग पेपर स्पेसिफिक करेंगे, CM1 CM2 का अलग अलग करेंगे पेपर्स, एंड देन यू ऑल कैन आस्क योर क्वेश्चंस, ठीक है। सो आई विल सेंड दीज फाइल्स, प्रैक्टिस करना इक्वेशन एडिटर, फिर नोटेशन से भी प्रैक्टिस करेंगे, जो भी हमें इजी लगेगा हम वही प्रोसीड करेंगे। जनरली IFOA बोलता है अपने स्टूडेंट्स को गो विद द नोटेशंस, आप आराम से नोटेशंस यूज करके ही करो, इतना इक्वेशन एडिटर यूज करने का जरूरत नहीं है। So just because some people like it, I have shown you. Okay. So thank you. This is it for today's class. In my next class, we will have a paper-specific class. Bye.